So let's start with the question. There's a plane electromagnetic wave which is traveling along positive x axis, right? And हम दो ही लोग हैं अभी फिलहाल दो ही लोग हैं बेटा नो इश्यूज स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करके तो डाली दूंगा राइट हां न्यूमेरिकल्स करना है आज तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 50 मेगाहर्ट्ज राइट And electric field at any point, electromagnetic, electric field at any point is कितना दे वा? ये सब J वाले क्वेश्चंस ही हैं पहले वही कर रहे हैं हम लोग 6.3 J volt per meter. Find magnetic field at that point. दिमाग लगाओ क्या लगना? बहुत इजी क्वेश्चन है. Our next question, sorry, first question. आसान है बताओ, anyone? Hello. वो 10^15 है क्या second question पे? हाँ, 10^15 yes. 4π × 10^15 ब्रैकेट में t माइनस x बाय c फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या ये वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बताओ 1 × 10^-8 सॉरी 2.1 × 10^-8 करेक्ट लग रहा है सो ERMS और वो क्या लिखा है EM Emax सो फर्स्ट वाले का आंसर बहुत आसान है सी Speed of electromagnetic wave is given by formula E by B. So B is what? B is E by C. So E is 6.3 × 3×10^8. That gives 2.1 × 10^-8 Tesla. Right? Now direction. आपको बताना. Which? What will be direction of B? So electromagnetic wave जा रहा है positive x axis के along. It's not mentioned here. My mistake. X axis के along है और ये y axis के along. And y axis के along तो दिख रहा है. Wave velocity is along x axis. So question is, what will be direction of B? तो B का direction क्या नजर आ रहा है? हेलो जेड एक्सिस मिथ रेश बोला एक्स एक्सिस 30 है जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन देयरफॉर बी वेक्टर इज 2.1 × 10^-8 के टेस्ला दैट्स आंसर सो जेड एक्सिस टू ई क्रॉस बी के अलोंग होता है वी V vector is along E cross B. इसके ऊपर boards में भी questions आते हैं directions के ऊपर. So E is along what? Y axis. Velocity is along X axis. तो E cross B. B इधर होना चाहिए ना? E इधर है. हाँ समझा. B इधर है. तो E cross B. ये direction. तो B आना चाहिए positive Z axis पर. Right? समझा? हाँ सेकेंड वाला बताओ
आ रहा है? Emacs 3x10^4 है क्या? Sorry? Emacs 3x10^4 ये Bmax है, हाँ, तो BMS 10^-4, तो EMS C is what E by B, तो C into BM, तो 3×10^8×10^-4, that is 3×10^4 volt per meter, this is EM. RMS upon root 2 हो जाए. अपॉन रूट टू कर रहे तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 3 × 10^4 एक और सिमिलर क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एसोसिएटेड टू an electromagnetic wave is given by 10J cos 6X plus 8Z. Right? The electric field of a plane polarized electromagnetic wave in free space at time t equals to 0 is given by this. ठीक है? ये क्वेश्चन है. अभी आपको क्या करना है? The magnetic field B as function of X, Z and T is given by, ये बताना है आपको. दिमाग लगाओ. हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले आपको सोचना है ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है. रेड एक्सिस. सॉरी, जेड एक्सिस. अगर जेड एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही होती तो उसका पहले जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं. हमने हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग चलने वाली वेव देखी, राइट? तो x एक्सिस के अलोंग चलने वाली वेव जो देखी थी उसका इक्वेशन में e क्या होता था और b क्या होता था? e was e m sin kx minus omega. अगर t की जगह जीरो डाल लो तो e as a function of क्या होता था? sin kx. x का फंक्शन होता था. at t equals to zero सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करता है e का वैल्यू. वेरिएशन जो था वो x के अलोंग है. तो दिस प्रूव्स दैट इट इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस, राइट? बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है 10J है, y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जो वेरिएशन दिख रहा है आपको किसके अलोंग दिख रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है. ये वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट नहीं कर रही. ये पहले आपको बता दूं, मैं हिंट दे रहा हूं, इट्स नॉट प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो आपको दिमाग लगाना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है.
हेलो अंदर दिख रहा है देखो ना एक्स और जेड बोला सॉरी मिथिलेश ने एक्स और जेड बोला जेड एक्स प्लेन में जा रही है लेकिन डायरेक्शन क्या है ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है ना जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है ये जेड एक्स प्लेन में जा रही है 6i+8j के अलोंग जा रही है नहीं हाँ सर ये जो वेव है ना मतलब पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं जा रही एक्स ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ये वेव यहां कहीं जा रही है ऐसे जा रही है 6i+8j इस डायरेक्शन में जा रही है अगर आपका इक्वेशन एट टी इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एम साइन के एक्स होता या बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स होता दिस मीन्स व्हाट वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट दिस इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग 6i+8j तो जो वेव वेलोसिटी है वेव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा मालूम है 6i+8j डिवाइड बाय 10 इन सॉरी के 6i+8k डिवाइड बाय 10 इनटू 3 इनटू 10 रेस टू 8 ये होगा आपका वेव वेलोसिटी ये वेलोसिटी वेक्टर ठीक है E is along y-axis. Wave कुछ ऐसी होगी देखो E इधर है वेव इधर जा रही है दिख रहा है E इधर है E इधर है B का मुझे पता नहीं इधर कहीं होना चाहिए तो E क्रॉस B इधर जा रही है हाँ हाँ तो सब वही आपको identify करना है किसका direction B का You have to identify the direction of B. अच्छा क्वेश्चन है बता बता सबसे पहले आपको सोचना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर हिंट देता हूं बी जो होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा किसके वेव वेलोसिटी के बी जो होगा बी इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज बी इज परपेंडिकुलर टू ई दोनों के परपेंडिकुलर भाई एक चीज बताओ E किधर है अलोंग y एक्सिस है हाँ इसके जो भी परपेंडिकुलर होगा सब zx प्लेन में ही आने वाला है हाँ zx प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर बनाना है तो आप डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर सकते हो याद है आपको डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होना चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सही है सब सिलेबस से निकाल दिया है कभी निकाल दिया ये सही 11th का पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक 12th का है ये कब सिलेबस से हटा दिया हाँ सर निकाला है स्कूल में नहीं पढ़ा रहे और वेव ऑप्टिक्स है वेव ऑप्टिक्स तो है ही मुझे मालूम है रे ऑप्टिक्स का उस दिन भेजा था उसने रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट हटाया थोड़ा काफी हटा दिया मिरर हटा दिया है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हटा दिया है तो सिर्फ प्लेन रिफ्रैक्शन और लेंस बचा हुआ कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन प्रिज्म एनीवेज ये इतना डिफिकल्ट नहीं है और ये आता है क्वेश्चन ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हटा दिया क्या सिलेबस से पूरा नहीं हटा है मतलब थोड़े बहुत चीजें ही है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वाले ही आएंगे ये एमसीक्यू ही है बट ना ये जेई का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर का सर जेई है ना बोर्ड्स में कहां जेई लेवल का आता है अरे जेई मेंस में बेटा एनसीईआरटी के सिलेबस ज्यादा एनीवेज चलो आसान है देख लो बी वेक्टर मैं क्लेम कर रहा हूँ
विल बी माइनस एट आई प्लस सिक्स के अकेला होगा, ये मैं क्लेम कर रहा हूं। क्या मैं गलत कर रहा हूं? ये हो गया जेड एक्स प्लेन में, तो ई के परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर सी, माइनस 48 प्लस 48, तो मेरा क्लेम है बी वेक्टर इज माइनस एट पैरेलल टू माइनस एट आई प्लस सिक्स के। एग्रीड? ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब बी का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, ईएम दिया हुआ है आपको, ईएम की वैल्यू पता है, तो बीएम की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, तो बीएम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 10 बाय 3 इनटू इज इक्वल टू ई बाय बी, तो बी इज 1/3 10^-7 और डायरेक्शन इसके लॉन्ग है, तो बी बीएम एज अ वेक्टर क्या होगा? 1/3 10^-7 अलोंग दिस, तो माइनस एट आई प्लस सिक्स के अपॉन 10। ठीक है, तो एक काम करो, तो माइनस एट आई प्लस सिक्स के अपॉन 3 × 10^8 ये लिख सकता हूँ टेस्ला, ये बी एम हो गया। नाउ कैन यू राइट एक्सप्रेशन फॉर बी एम? बी, फाइनली आपको बी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो बी का एक्सप्रेशन कैसा दिखता है? बी एम, बी एम का वैल्यू हो गया माइनस एट आई प्लस सिक्स के अपॉन 3 × 10^8 इज ऑलवेज इन फेज विद दिस, तो इसका फेस और इसका फेस दोनों का सेम होता है, तो फेस एंगल एट टी इक्वल टू जीरो, इसका भी 6x + 8z होना, राइट? टी इक्वल टू जीरो पे दोनों का फेस सेम होता है, तो इसका फेस भी होना चाहिए 6x + 8z टी इक्वल टू जीरो पे, राइट? तो ये टी इक्वल टू जीरो पे हो गया, तो माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी के नाम, ओमेगा की वैल्यू आपको बतानी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा? यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ओमेगा होता है के बाय सी का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के होता है, ओमेगा हो गया सी इंटू के, के आपको पता होना चाहिए इसके डायरेक्शन में 10 होगा, सी के का वैल्यू तो 10 सी होगा, तो आंसर आएगा, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आंसर लिख के मैच कर लें। So B vector is minus 8i plus 6k upon 3 × 10^8 Yes, options में C दिया, तो C लिख देता हूँ, cos 6x + 8z minus 10ct। अब पहले आप सोचो, फिर मैं आपको explain करता हूँ। ये answer है, minus 8i plus 6k whole upon C cos 6x + 8z minus 10ct। जा सर। पक्का? किसी को डाउट है? नहीं। पक्का? हाँ। चल, नेक्स्ट भी एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मिला। स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में जितना भी होता है, वैक्यूम में होता है सी, नहीं 3 × 10^8 meter per second किसी एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, वहां जाने का उसका स्पीड कितना होता है? याद है किसी को, 10th में पढ़ा था हमने, ऐसा एक बार वापस बोलो। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10^8 meter per second, that is C.
इन एनी अदर मीडियम, इन एनी मीडियम अदर मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज 3 × 10⁸ बाय एन, जिसका भी रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली डेफिनेशन है, हम भी पढ़ेंगे इसमें रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में, बट हमने टेंथ में भी पढ़ा था, ठीक है? तो क्वेश्चन है सर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नहीं कह दिया, इंटेंसिटी 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी इज 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मूव्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, दूसरा मीडियम, राइट? यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर दिस। तो यहाँ पे E1 था, यहाँ पे E2 था, यहाँ पे B1 था, यहाँ B2 था। So E1 by E2 is what you have to find and B1 by B2 is what you have to find. सर पैर नहीं लगा हुआ आपको, लेकिन सोचो समझेगा थोड़ा बहुत शायद, नहीं तो मैं एक एक करके